कला के साथ व्यापार भी फिल्मों का अहम हिस्सा है। फिल्में बड़ी लागत के साथ बनाई जाती है, ऐसे में वहाँ लागत मुनाफे के साथ वापस पाने की चाहत निर्माताओं में होती है। बात करें अभिनेता अक्षय कुमार की तो निर्माता बनने को लेकर उनकी चाहत बाकी निर्माताओं से थोड़ी अलग रही। बता दें कि वह सामाजिक विषयों से जुड़ी फिल्में पैडमैन, टॉयलेट, एक प्रेम कथा समेत कई फिल्में बना चुके हैं। हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान अक्षय ने कहा, समाज ने जो मुझे दिया है उसे वापस करने का ये मेरा तरीका है। मुझे पता है कि मैं सिंगिस किंग हूँ, सूर्यवंशम या राउडी राठौर फिल्में करूँगा तो इससे 3-4 गुना ज्यादा कमाऊंगा। लेकिन यहाँ पैसे की बात नहीं है, यहाँ एहसास जीवन में बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं फिल्में प्रोड्यूस कर सकूँ। जब मैंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की तो मैं ऐसी फिल्में बनाने लग गया। मुझे ऐसी फिल्में बनाने का शौक है, लेकिन मेरा पारिवारिक माहौल ऐसा रहा है, मैंने कभी अपने माता पिता को झगड़ा करते नहीं देखा। हमारे पास बहुत पैसे नहीं थे, 100 रुपए का किराया देकर हम मुंबई के एक छोटे से गाँव में रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब हम हंसते खेलते नहीं थे। अब इतना पैसा है फिर भी हम कभी कभार दुखी हो जाते हैं। बता दें कि आगे जब अक्षय से पूछा गया कि क्या वह राजनीतिक में भी जाना चाहेंगे, इस पर उन्होंने कहा, नहीं, मैं राजनीतिक में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं फिल्म बनाने के लिए बना हूँ, आगे का मुझे पता नहीं, लेकिन फिलहाल मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ जिससे बदलाव आए। ऐसे ही मूवी न्यूज़ अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को अभी सब्सक्राइब करें।